हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड के 19 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वो भी आंसर के साथ। हम एक एक प्रश्न का आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा बच्चों, जिससे आपका 6 लेसन जो है उससे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो जाए। तो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है। वो क्यों? क्योंकि फिजिक्स के फर्स्ट का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो भी आंसर के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 है बच्चों, और इस वीडियो में मैं आपको सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराऊंगा और आंसर के साथ। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन का आंसर के साथ वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, हम अध्याय 9 से अध्याय 14 तक के इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आंसर के साथ। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है बच्चों, इसमें फिजिक्स सेकेंड में, वो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। अब इसमें से हम इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। बच्चों, प्रकाशिक तंतु एक फाइबर होता है, तो आपको बताना है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम जिस पर प्रकाशिक तंत्र का कार्य सिद्धांत आधारित है, जिस पर प्रकाशिक जो तंतु होता है वो कार्य करता है, जिस सिद्धांत पर, तो वो घटना है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही जो प्रकाशिक तंतु होता है वो कार्य करता है, इसी के सिद्धांत पर। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से फिजिक्स सेकंड के, ठीक है, अध्याय 9 का। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आंसर के साथ। तो देखिए बच्चों, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? प्रिज्म के पदार्थों के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। यानी कि आपको सिर्फ इतना बताना है बच्चों कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला क्या होता है, और उसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं बच्चों, जैसे ये हाइडेलियम है, इनके अर्थ बताना है कि ये है क्या, आखिर क्यों यूज किए गए हैं इस फार्मूले में। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है। एन इक्वल टू, एन है बच्चों अपवर्तनांक, इसे हम एन से डिनोट करते हैं, किसको, अपवर्तनांक को। तो एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ये आपका फार्मूला हो चुका है। अब हमारा आता है प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए। तो हम बता देते हैं, ये है आपका प्रिज्म कोण, डेल एम है आपका अल्पतम विचलन कोण। समझ में आया? बस इतना ही आपको समझना है। यहाँ पर अगर प्रिज्म कोण और डेल एम दिया होता है तो आप आसानी से प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय में छोटा सा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। क्या है? किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है। परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई समतल तल है जिस पर जो है बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश की किरण आती है, और टकराने के बाद जो परावर्तित होती है उसकी आवृत्ति आपको बतानी है। समझ में आया? तो क्या होगा बच्चों, समझिए, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति अगर आपको निकालना है तो आवृत्ति को हम हमेशा म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है बच्चों सी अपान लैम्डा, जहां सी है बच्चों प्रकाश की चाल, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य। अब देखिए, म्यू हमें निकालना था तो हमने 3×10⁸, सी की जो वैल्यू होती है प्रकाश की चाल की, वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपने अब तक नहीं जानते थे, आपने नहीं याद किया था, तो आज याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, हमारा क्या है लास्ट में, अपान लैम्डा है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य, जो कि आपका दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर। तो 5000 एंगस्ट्रॉम है तो आप लिख सकते हैं 5000×10⁻¹⁰ मीटर। अब आपको यही गुणा भाग करना है, उसके बाद में आपकी आवृत्ति जो है लास्ट में आ जाएगी 6×10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, ये आपकी फाइनली आवृत्ति आ जाएगी। बस आपको इसी तरह निकालना, सिर्फ एक फार्मूले की सहायता से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट यानी कि अध्याय 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अध्याय 10 का, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी।
तो बच्चों हमारा अगला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट वो है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारा 10वां चैप्टर है। हम इस वीडियो में 9 से 14 तक के लेसन के इंपॉर्टेंट अर्थ लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, तरंगाग्र के लंबवत रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है, यानी कि जो तरंगाग्र के लंबवत रेखा होती है बच्चों वो किसकी दिशा को व्यक्त करती है। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आपका हो जाएगा तरंग संचरण की दिशा को, यानी कि तरंग के चलने की दिशा को, तरंग संचरण की दिशा को। समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन था और एक लाइन का आंसर है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है तरंग प्रकाशिकी से, जो कि है एक डेफिनेशन, और इसको मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसमें भी इसे इंक्लूड किया है। देखिए क्या है, ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं बच्चों, ध्रुवण कोण क्या होता है। देखिए, पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण जिससे जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। बच्चों इसका सीधा सा जो आंसर है वो है कि परावर्ती माध्यम में आपतित प्रकाश का वह आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए परावर्ती प्रकाश पूर्णतया अगर समतल ध्रुवित हो जाए तो उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं। और ध्रुवण कोण को हम डिनोट करते हैं बच्चों आई पी से, स्मॉल आई नीचे पी, आई पी से हम डिनोट इसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये था बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम आपके 10वें चैप्टर से तरंग प्रकाशिकी से। अब हम देखते हैं अपना स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो कि तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से है। तो यहां पर भी मैंने एक न्यूमेरिकल इंक्लूड किया है बच्चों, ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहां पर मैंने इसे लिया है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, वायु से कांच में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोड क्या होगा अगर कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। बच्चों यहां पर दिया गया है वायु से अगर ग्लास में संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोड क्या होगा अगर ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 हो। तो एक फार्मूला होता है बच्चों ब्रूस्टर का नियम, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए ब्रूस्टर के नियम के अनुसार एन इक्वल टू टेन आई पी होता है, एन क्या है बच्चों अपवर्तनांक, आई पी क्या है ध्रुवण कोण, तो इन दोनों में संबंध भी यही सूत्र दर्शाता है और इसी नियम को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हमें यहां ध्रुवण कोण ज्ञात करना है आई पी तो हमें टैन को इधर ले जाना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स, आप 1/10 लिख सकते थे लेकिन टैन इनवर्स हम 1/10 को लिख सकते हैं, अब इंटू एन, ठीक है एन यही हो जाएगा। अब देखिए आई पी इक्वल टू टैन इनवर्स 1.5, हमें एन दिया गया था ऊपर 1.5, ठीक है, अब आई पी इक्वल टू टैन इनवर्स 1.5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 56.3 डिग्री, ठीक है, यानी कि 56.3 डिग्री होती है। बस हमारा ध्रुवण कोण यहां पर निकल चुका है जो कि पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहां पर क्या था, संक्रमण के लिए ब्रूस्टर कोड क्या है, यही है आपका ब्रूस्टर कोड, आई पी इक्वल टू 56.3 डिग्री। समझ में आया, तो ये था बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से था। अब हम देखेंगे अपने 11वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है स्टूडेंट विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो बच्चों हमारा अगला आता है स्टूडेंट विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है कार्य फलन की परिभाषा दीजिए। कार्य फलन क्या होता है बच्चों, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहलाता है। मतलब इसका सीधा सीधा यह है बच्चों कि जब किसी धातु पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रकाश को उसी को हम कहते हैं कार्य फलन, और इसे हम W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, और W इक्वल टू होता है H म्यू नॉट, जहां H है बच्चों आपका प्लांक नियतांक, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। यहीं पर याद कर लीजिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपने इसे सीख लिया, अगर याद नहीं हो रहा बच्चों तो आप लोग लिखकर एक बार इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, अभ्यास करेंगे तभी याद होगा। देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो क्या है, एक गतिमान कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य 2.0 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा। अब बच्चों कण का संवेग का जो फार्मूला होता है पी इक्वल टू, संवेग को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन लैम्डा, स्मॉल एच है प्लांक नेतांक, लैम्डा है तरंगदैर्ध्य। अब हमने एच का मान रख दिया, प्लांक नेतांक का जो वैल्यू होती है मान होता है 6.6×10^-34 होता है, अपॉन लैम्डा हमारा दिया गया है स्टूडेंट कितना 2×10^-10, एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में बदलेंगे बच्चों तो 10^-10 हो जाएगा क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट
10^-10 मीटर। तो बच्चों अब आपको इसी पर जो है इसकी वैल्यूज रख दिया आपने, उसके बाद जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइडेशन करेंगे तो आपका आएगा आंसर स्टूडेंट P इक्वल टू 3.3×10^-24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि था विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति से। हम तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर स्टूडेंट देख लेते हैं क्या है। देखिए, वह कौन सा प्रयोग है जिससे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है? तो बच्चों वह प्रयोग कहलाता है डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। इनके प्रयोग से जो है कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध हो जाती है। तो ये था स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि था तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है स्टूडेंट परमाणु। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला चैप्टर यानी कि 12वां चैप्टर आता है परमाणु। परमाणु से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? किसी परमाणु की त्रिज्या के मान की कोटि तथा किसी नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि लिखिए। तो बच्चों जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10^-10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, लगभग। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है न्यूक्लियस की वो होती है 10^-15 मीटर। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर से स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रिडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। तो रिडबर्ग नियतांक का जो मान होता है, जो वैल्यू जो होती है 1.1097×10^7 मीटर इन्वर्स होती है। आज ही लर्न कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे वो इसी आर के वैल्यूज पर लगेंगे। तो देखिए रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, समझ लेते हैं इसको भी। क्या है? हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हाइड्रोजन के प्रथम यानी कि N1=1 अगर प्रथम को लिया जाए तो, और प्रथम की त्रिज्या जो है बच्चों प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर सीधा फीधा दिया गया है वही हमने लिख दिया है। अब तीसरे कक्षा की त्रिज्या, तो संख्या क्या है बच्चों कक्षा की? 3, तो N3=3 और इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो N3 अगर हमें निकालना है बच्चों तो हमें एक फार्मूला लगाना होगा, N3=2 क्या होगा स्टूडेंट, N3/N1^2×R1। तो बच्चों यहां पर जो होता है आपका R3 निकालना है, तो R3=ये फार्मूला होता है स्टूडेंट N3/N1^2×R1। ठीक है, अब R3 यानी कि तीसरे कक्षा की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो N3 जो है बच्चों ये तीसरे यानी कि तीसरी कक्षा है, तो यहां पर 3 इसकी वैल्यू लिखेंगे, N1=1 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट कक्षा की त्रिज्या 0.5। अब हमारा यही स्टूडेंट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9×0.5 और हमारी जो तीसरी कक्षा की त्रिज्या आएगी वो 4.5 एंगस्ट्रॉम आएगी यानी कि 4.5 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आप इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने स्टूडेंट 13वें चैप्टर की ओर जिसका नाम है नाभिक। तो बच्चों हमारा नाभिक चैप्टर जो है 13वां चैप्टर, उसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होगा? बच्चों अगर कोई नाभिक है उसमें से बीटा कण निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में क्या अंतर होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा? तो देखिए आंसर सीधा सीधा है, अगर किसी नाभिक के से एक बीटा कण निकल जाता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? तो अगर किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक बढ़ जाएगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या में। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कि इम्पोर्टेंट है नाभिक से, क्या है? भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहां और किस लिए किया जाता है? तो बच्चों भारी जल का जो प्रयोग होता है बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए, यानी कि भारी जल का उपयोग जो होता है बच्चों नाभिक चैप्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसको धीमा करने के लिए, मंद करने के लिए किया जाता है। बच्चों अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से है, वो न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल्स मैंने क्यों लिए हैं छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल फिजिक्स में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स को लिया है। देखिए आपका न्यूमेरिकल क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 693 वर्ष है, इसका छयांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, छयांक जो होता है उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब लैम्डा इक्वल टू स्टूडेंट log E2/T, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं स्टूडेंट लैम्डा यानी कि छयांक इक्वल टू 0.6931/T।
अब स्टूडेंट 0.6931 आप लोग यहां पर ऐसे रहने दीजिए, कैपिटल टी आपका दिया गया 6693 वर्ष, तो आप लोग यहां पर लिख दीजिए वही, ठीक है, जो आपका यहां पर दिया गया है स्टूडेंट, देखिए अर्ध आयु 693 वर्ष है, उसको आप यहां पर लिख सकते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहां पर लिख दिया है, बस आपको थोड़ा सा यहां पर समझना है, ये 693 होगा, ठीक है, बस 693 वर्ष, और इसको हमने कट किया, लैम्डा इक्वल टू 0.001 वर्ष इनवर्स आ गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं अपने लास्ट लेसन जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है, उससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर आता है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और यही होता है बच्चों, इसमें दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, इनपुट को ए बी से और आउटपुट को वाई से, इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है, यही लॉजिक प्रतीक है इसका। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, तो ठोस में जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनको हम कहते हैं चालक बैंड और संयोजी बैंड, चालन बैंड फर्स्ट है, संयोजी बैंड सेकंड है। बच्चे तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है एलईडी का पूरा नाम लिखिए, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर से बच्चों एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहीं पर देख लीजिए क्या है। एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर 30, लोड प्रतिरोध आरएल बराबर 4, ठीक है, केल्विन ओम, तथा निवेशी प्रतिरोध आर आई बराबर 400 ओम है, इसका वोल्टता प्रवर्धन ज्ञात कीजिए। तो ये एनसीईआरटी बुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वोल्टता प्रवर्धनांक ज्ञात करना हो तो ये बराबर बीटा इंटू आर एल अपान आर आई, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम इसकी वैल्यूज को रख देंगे, हमारा ए जो है बच्चों निकल आएगा, जो की है वोल्टता प्रवर्धनांक। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो लास्ट तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा यानी कि बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए, तो थैंक यू स्टूडेंट।